सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एफ जेड बाइक का, आप लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कैसे एकदम बूस्ट कर सकते हो, कैसे इन्हेंस कर सकते हो। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात आ रही है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब मैं इसमें बात करने वाला हूँ पूरी बाइक की कंडीशन जो है एकदम नई की तरह कर दोगे आप लोग, जैसे नई आई थी वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोग कैसे ले सकते हो अपनी पुरानी बाइक से। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, बेसिकली अगर आप लोग का भी सेम यही मेरा वाला मॉडल है, अगर आप लोग का भी 10 साल 12 साल या 8 साल 7 साल पुराना मॉडल है, तो आप लोग को उसमें जो है आप लोग देख सकते हो अभी आजकल जो है परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा गिर गई इतने सालों बाद। तो आप लोग को कैसे इसको बूस्ट करना है, वापस से आप लोग को कैसे इसको पलटा लाना है, तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इससे आप लोग की बाइक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग माइलेज की। अब माइलेज का जो बात है वो हम लोग एक अलग सी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हो कि माइलेज जो होता है सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो जाके माइलेज वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी रिसेंटली अपलोड हुई है, तो माइलेज के लिए आप लोग वो वाला वीडियो देखो। सो हम नंबर सेकंड में बात कर रहे थे हम लोग स्मूथनेस की बाइक की। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि मेरी बाइक तो अभी सही चलती है, आप लोग ने मोटर ब्लॉग्स काफ़ी देखे हैं, लेकिन अगर आप लोग की बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया है, तो आप लोग को इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस की ज़रूरत है ताकि आवाज़ ना आए, एकदम स्मूथ चले, जैसे मक्खन की तरह एकदम स्मूथ चले बाइक। तो अब स्मूथनेस बाइक को स्मूथ बनाने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलग से एफ जेड के लिए। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं आप लोग को करना क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को देखना है क्योंकि इसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, तो आप लोग को इसमें चेक करना है पीछे वाला टायर जो है, आप लोग को डबल स्टैंड में लगाना है, पीछे वाला टायर अपने आप रोटेट करना है फ्री करके, न्यूट्रल पर लगा के, अगर वो अच्छे से फ्री है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग का बाइक हल्का सा भी टायर जो है पीछे वाला अटक रहा है या फिर रुक जा रहा है जल्दी, अपने आप रुक जा रहा है, तो मतलब कि आपका जो ड्रम ब्रेक है वो टायर में टकरा रहा है। इससे क्या होता है, आप लोग की बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी चलने लगती है, आगे बढ़ाने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ता है, लगता है कुछ पीछे से रोक रहा है, इसलिए हमारी बाइक जो है स्पीड जो होती है उसकी कम होती है, प्लस जो है हमारा टायर का जो मतलब जो हमारा इंजन है उसमें लोड आता है, जिस वजह से हमारा इंजन ख़राब होता है। तो आप लोग को टायर को हमेशा जो है डबल स्टैंड में लगा के दोनों टायर को रोटेट करके देखना, जो टायर रुक रहा हो उसका ब्रेक आप लोग को हल्का सा ढीला कर लेना है, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा कि आप लोग को ब्रेक जो है ढीला कैसे करना है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यही था हम लोग को स्मूथ बनाने का। अब यार बात स्मूथ बनाने की, तो मैं एक और चीज़ बताना आप लोग को भूल गया कि मतलब आप लोग को करना क्या है, आप लोग का जो क्लच है, जो एक्सेलरेटर है, इसके जो वायर हैं इसको आप लोग को टाइम टू टाइम चेंज कराते रहना है, जिस भी सर्विसिंग में आप लोग जाते हो उसमें जो इसका वायर्स है इसको चेंज कर लो या फिर अच्छे से एडजस्ट करो, क्योंकि होता क्या है ये टाइम टू टाइम खराब होने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा थ्रॉटल लेना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए, या फिर क्लच बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है या बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो आप लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है, इससे आप लोग ये सब चीज़ें फॉलो करो तो आप लोग की बाइक भी एकदम स्मूथ होने वाली है। अब वह सेकंड पॉइंट आता है कि हम लोग को अपनी बाइक की अगर स्पीड बनानी है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है स्पीड भी कम होने लगती है, आप लोग को जैसा पता होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है टाइम टू टाइम स्पीड, अगर आप लोग को इसकी स्पीड अच्छी खासी चाहिए, आप लोग को फिर से इसकी स्पीड को जो है गेन करना है, तो आप लोग को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को इसकी चेन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आप लोग को टायर में ध्यान रखना है, मतलब बेसिकली जो जो है डायरेक्टली सरफेस पर टच होते हैं, जो पार्ट्स जो है डायरेक्ट जो है सरफेस में रहते हैं उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि फ्रिक्शन में जो है, जैसे कि आप लोग को चेन का ध्यान रखना है क्योंकि वो रोटेट करती है डायरेक्टली, जो होता है उसका स्पीड से मतलब होता है, टायर का तो मतलब बेसिकली होता ही क्योंकि वो रोड से चलता है, रोड में टकरा के चलता है, लग के चलता है, इसलिए जो है टायर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और इसी में हमारे इंजन की लाइफ भी होती है, मतलब कि अगर आप लोग की स्पीड कम मिल रही है तो कोई ना कोई इंजन में भी प्रॉब्लम है। तो पहले आप लोग ये चीज़ करके देखो, जैसे कि आप लोग को टायर का जो लेंथ है, जो mm है, जो साइज़ है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए उस स्पीड के हिसाब से जिस स्पीड पर आप लोग को चाहिए, जैसे कि जब बाइक आई थी उसी साइज़ का टायर आप लोग का बाइक में होना चाहिए। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी जो टायर मोटा करवाया तो आप लोग की स्पीड में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जैसे कि मैंने पीछे वाले टायर में चेंज करवाया थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, तो इसमें थोड़ा स्पीड में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप लोग को करना क्या है, टायर का प्रेशर में ध्यान रखना है, चेन में जो है हमेशा ऑयल या ल्यूब करना है, इससे क्या होगा कि आप लोग की बाइक एकदम अच्छे से रहेगी और आप लोग की बाइक स्पीड जो है हमेशा मेंटेन करके रहेगी। ये तो बात हो गई हमारे माइलेज, स्पीड और जो है बाइक की लाइफ के बारे में। अब छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं वो भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इंजन ऑयल, इंजन ऑयल का सही ग्रेड आप लोग को यहाँ एफ जेड के लिए चुनना है, तो आप लोग जाके मेरा वो भी वीडियो देख सकते हो, मैंने वो भी वीडियो बनाया हुआ है अपना इंजन ऑयल ग्रेड आप लोग कैसे चुन सकते हो यहाँ एफ जेड के लिए, तो जाके वो भी वीडियो देखो, सारे वीडियो आप लोग को बेसिकली मेरे चैनल मिल जाएगा। दूसरा चीज़ स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोग की बाइक के इंजन के लाइफ के ऊपर, स्पीड के लाइफ के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं सारी चीज़ें। तो आप लोगों को जो स्पार्क प्लग भी हैं ये भी अपना ओरिजिनल लगवाना है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स तो आप लोगों को पता ही होंगे कि कौन कौन से पार्ट आप लोग को ऑयल करना है, कौन कौन से पार्ट आप लोग को ल्यूब करने हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना था, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोग को जो टॉपिक भी चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, उस वीडियो उस टॉपिक पे जो है वीडियो आ जाए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।